अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, कैसे था? जब अम्मी की शादी हुई थी तो अम्मी की शादी होकर यहाँ पर आई थी इस घर में। ओए मुस्तफा, आप एक फिश लग रहे हो। यहाँ के मैंगो की खुशबू कितनी ज्यादा। तो यहाँ की सुबह हो गई है। यहाँ रात में चारपाया लगी थी, अभी चारपाया सारी अंदर लगा दिए और इस साइड पर यहाँ पर हमारा नाश्ता हो रहा है। लगा दिया सबका नाश्ता, अंडे बने हुए हैं, साथ में चिकन का सालन है, चने हो गए। इनको तो चाय पराठा चाहिए ना। फ्रेंड मिल गई है, जितना भी गर्मी है यहाँ पे रुकी नहीं रही। आए तो आ ही नहीं रही। आप सब नाश्ता शुरू करो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, खैर खैर से। और अभी अभी हम सब ने यहाँ पर बैठकर नाश्ता किया है और देखो इतना कोई तेज कड़क धूप निकल आई है। देखो इस साइड पर बच्चे सारे, पूरी गाड़ी भर चुकी है, सारे ट्यूबवेल पे जा रहे हो। बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। देखो पीछे बैठक की बच्चा पार्टी, कहाँ जा रहे हो सारे? हम लोग ट्यूबवेल पर नहाने, ट्यूबवेल पे जी जाएंगे, फिर हम ले जाएंगे। हाँ गाड़ी फुल हो गई, कहते नहीं छोड़ के फिर आएंगे। और हम यहाँ पर स्पेशल, वैसे इस वजह से भी अब्बू को तो छोड़ना था और स्पेशली आए थे जहर भाई के लिए कि जहर भाई का अभी जैसे मुस्तफा का ऑपरेशन हुआ था पेरेंट्स का, वैसे ही जहर भाई का हुआ, दो तीन दिन बाद ही हुआ था ना जहर भाई का। हाँ। ईद के पहले हुआ है, मेरा ईद के बाद हुआ है। बस बहुत शुक्रिया ये जो बस आपने बहुत सपोर्ट किया है। बहन भी है और बेटी भी है, बहुत खुशी है। अब्बू भी साथ आ गए, अब्बू की भी बहुत खुशी हुई। दिल नहीं लगता था बच्चे, हम जैसे फिर तैयार हुए ना, अब्बू का फिर पीछे दिल नहीं लगता था। कहते मैं अकेले क्या। हाँ बच्चे, जब बच्चे जा रहे हैं तो साफ है, फिर अब्बू का कैसे दिल लगा वहाँ पर। अब्बू ने कहा नहीं ये तो बच्चे होते, मैं अगर बैठा रहता हूँ, अभी आप जाओगे तो फिर मुझे घर खाली खाली लगेगा, मुझे भी साथ ले चले। चलें ठीक है अब्बू, फिर हम जा रहे हैं, चलें। हाँ और कोई चीज की जरूरत हो कुछ भी फोन कर लीजिएगा बात, ठीक है? चलो ये रहा राबिया बाजी और जहद भाई का घर। अभी इस घर में शिफ्ट हुए, पहले दूसरे घर में थे और माशाल्लाह ये काफी बड़ा और खुला भी, ऊपर भी काफी बना हुआ है। और चलो अब्बू से भी मिल लिया है और अब हम यहाँ से रवाना होते हैं। मेरे हस्बैंड बच्चों को सबको लेकर चले गए और अभी हम जाएंगे बाइक पे जहद भाई के साथ। गर्मी बहुत ज्यादा है तो चलो ट्यूबवेल पे थोड़ा सा नहा दे के फ्रेश हो जाएंगे। तो कह रही हूँ दोनों हम बैठ जाएंगे बाइक पे। नहीं नहीं आप चले फिर। अच्छा और ये देखो आयत अपना पिलो भूल रही थी तो ये पिलो अभी मैंने उठा लिया फिर, क्योंकि चले। और हम पहुंच गए, ये रही गाड़ी। उतरे नहीं हो सारे, अंदर के अंदर बैठे हुए हो, पूछा नहीं है? मैंने पूछ लिया है बस। है जगह? हाँ। चले थोड़ा नहाए, दिमाग फ्रेश हो, बहुत ज्यादा गर्मी। अच्छा ये तो काफी बड़ा है, गहरा है। अच्छा काफी बड़ा है ये, ब्लू नहीं है, पूरा ग्रीन ग्रीन है। और हैदीद वाली धूप लग रही थी तो ऊपर आयत का पिलो रख लिया, थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ अल्लाह मैं इधर से गुजर रही थी, कुआं है पीछे, दिखा ही नहीं है कुआं है। मुझे इधर मामा पाँव रखने वाली थी, ये देखो ये तो कुआं बना हुआ है। तो अब हो गया बिल्कुल, पूल खाली हो गया, अभी सारे चल रहे हैं। ये ट्यूबवेल है, बहुत बड़ा ट्यूबवेल है, स्विमिंग पूल नहीं ट्यूबवेल लग रहा है ना। ट्यूबवेल चलो, ये पानी जमीनों को भी लग रहा है आसपास की। मेरे हस्बैंड की तो तैयारी हो गई है, देखो इतना प्यारा सा यहाँ पर ट्री भी है, इतना सा यहाँ पर ट्री है और इसकी छांव इतनी ठंडी ठंडी है। नीचे चारपाई पड़ी है, यहाँ पर आकर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, पहले ना वहां से होकर आते हैं। आए तो आपके पापा आ रहे हैं, पापा आपको ले जाएंगे अंदर। हम भी अपने कदम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। देखो या तो मैं इस पार गई या तो मैं इस पार गई। ओए मुस्तफा आप एक फिश लग रहे हो, क्या हो गया? फुल ठंडा पानी है, फुल ठंडा। मैं तो आ गई हूँ तकरीबन एक घंटा हम इसके अंदर है, इतना कोई ठंडा पानी था। अब आया देखो बाहर आ ही नहीं रही, रवाना होती भी पूरी हो गई। हाँ। अच्छा मुश्किल से इन सारे बच्चों को इकट्ठा किया, ये लड़की बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ अभी एक और बड़ा स्विमिंग पूल है, हम वहाँ पे जा रहे हैं सब। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। चलो भाई बाय बाय सबको। जो है ना हमने यहाँ से कुछ फ्रूट्स ले लिए, बास्केट बनवा लिए। यहाँ की टोकरी दिखाओ, शुक्र है कि ये बास्केट यहाँ पर मिल तो गई, मिल ही नहीं रही थी, इनके पास पड़ी थी तो इन्होंने दे दी। इसमें कल हम आए थे और काफी टाइम हो गया था और रास्ते में सो भी गए थे, कोई भी फ्रूट वाला नहीं दिखा। अभी हमने सोचा उनको लेकर देखे फिर हम आगे निकलेंगे। यहाँ के मैंगो की खुशबू कितनी ज्यादा है, तेज है।
फ्रेश है। पूरी गाड़ी में खुशबू कैसी है मैंगो की। कल हम जैसे आए थे ना काफी लेट हो गया था और हम खाली हाथ ही आए थे, और कभी भी कोई भी बीमार हो उसको पूछने के लिए जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ ना कुछ साथ में जैसे कि फ्रूट होता है लेके जाओ। और कल तो हम ले नहीं पाए, टाइम बहुत हो गया था, तो अभी हम गए बाहर से ये बास्केट बनवाई है। तो चलो अब हम दोबारा से वापस आ गए यहाँ पे। हाँ मैं फिर याद आ गई, फिर आ गए, आ जाओ। तो वही बास्केट बनवाने गए थे कि जहद भाई के लिए हम आए और उनके लिए बास्केट भी नहीं लेकर आए थे। इतना कुछ किया सितारा, नहीं कुछ भी नहीं। बस कल हम जब आए थे ना लेट हो गया था तो फ्रूट्स नहीं ले सके। आए को नींद आ गई, हम वहाँ से आ गए फ्रूट देकर, और रास्ते में हमें मिली है मुल्तानी कुल्फी। पूरे पाकिस्तान में ऐसे कुल्फी मशहूर है मुल्तान की, लेकिन हमने कभी मुल्तान से नहीं खाई, लेकिन मुल्तान के नाम की होती है ना। चलो ले लो मुस्तफा कुल्फी। पंजाब की ऐसे कुल्फी बहुत मजे की होती है। भाई बापू नहीं चाहिए, कुल्फी नहीं खा रही क्यों? क्या होता है, ठंडा दूध होता है ना? पीने? हाँ मैं तो पीऊंगा दूध वाली बोतल। अब दूध का भी दे दे। पापा, बहुत मजे की है, सच में। है कितने की? 50 की। इतनी बड़ी। मैं आपको बता दूं, अभी हम सीधा जा रहे हैं अबू को, मैं अपने अबू की कब्र पे जा रही हूँ, वहाँ पर कुरान पाक का खत्म के लिए बोला है। कारी साहब वहाँ पर कुरान पाक पढ़ रहे हैं, वो तो इस्लामाबाद में मैंने अबू की बरसी की थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ से अभी हम गुजर रहे हैं तो यहाँ से जो है ना अबू से मिलते हुए जाएंगे। देखो अभी हमने ताज़ा ताज़ा फ्रेश यहाँ से खजूर ली, और पंजाब की खजूर इतना कोई मज़े के टेस्टी है ना, तरह की जो बहुत ज़्यादा पकी होती है ना वो नहीं अच्छी लगती, ये जो ब्राउन होती है ना इस तरह की पकी हुई बहुत टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा मज़े की टेस्टी होती है इस तरह की। चलो आपके मामू का घर आने वाला है मुस्तफ़ा, मामा का बचपन इधर गुजरे मामू का घर आए, आपके मामू का घर आ गया, आपके चाचू के घर से होकर अब आपके मामू के घर की तरफ जा रहे हैं। पर ना मेरे मैके की साइड पर आओ ना, तो इस साइड पर गन्ने के खेत बहुत ज्यादा होते हैं, अब ये भी सारे गन्ने के खेत हैं। गन्ने के खेतों से मशहूर है, आपका ससुराल हो गया ना, फर्स्ट ससुराल, पहला ससुराल। इसी आपका पहला और दूसरा ससुराल में ज्यादा वो नहीं है ना, बीच में एक घंटे का रास्ता है ना। रोड देखो कितना अच्छा बन गया, पहले यहाँ का रोड थोड़ा टूटा फूटा था जब हम छोटे थे। सफा देखो मामा का शहर आ गया, बचपन का शहर। हम यहाँ से सब्जी लेने खुद आते थे, वो अपनी चीज पे फोकस है। क्या हो गया? सब्जी लेने हम खुद ही आते थे, चीज खाने के लिए आते हुए, चीज के एक दो रुपए साथ में मिलते थे ना। ये देखो वो सफा यहाँ तक आते थे, और पता है यहाँ पे टायर भी चलाते थे, वो जो स्टिक से टायर नहीं घुमाते सड़कों पे, वो भी हमने यहाँ पर चलाया। अब तो शहर काफी गहरा था, अबू की कब्र पे जाना तो फूल की पत्तियां ले ले। देखो हमने फूल भी ले लिया अबू की कब्र पे डालने के लिए। अब वैसे महरम के दिन है ना, हर जगह पर फूल भी रेड़ियों पे लगे हुए हैं। आगे पीछे तो वैसे कब्रिस्तान जाते हैं, जैसे महरम के दिन आते हैं ना तो हर कोई अपनों से मिलने के लिए जाता है कब्रिस्तान, और इस वजह से हर जगह देखो रेडियो पे फूल आम मिल रहे हैं, वरना पंजाब में ऐसे हर जगह पर फूल नहीं मिलते। फाइनली ये गली आ गई हमारे घर की। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, कैसे हैं? ठीक है, ठीक। आप सफर कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाए आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, अस्सलाम वालेकुम। छोटा बच्चा कहाँ है? ठीक है, मोबाइल में तो बड़ा, मैं उसको मिस कर रहा था कल। आयत को वालेकुम सलाम, कैसी हो मैम? ठीक हो जी आप? मैं ठीक है। तबियत कैसे? फाइन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक हो तबियत? ये हम ट्यूबवेल से नहा नहा कर आए हैं, इस वजह से बाल ऐसे। हाँ हम इसको यही लालच दे के आए, वहाँ मामू का है तो उधर चल रहे हैं, वहाँ से निकल ही नहीं रही थी, रो रही थी इतना। अभी हम अपने मैके पहुँच गए, पानी वानी पिया, शरबत पिए, और इस साइड पर देखो हमारे लिए फौजिया गर्मा गर्म चाय बना रही है। इतने टाइम से गैस वाली पी पी करना की वो जो सिलेंडर पे बनती है। इस साइड पर कूलर पंखे लगे हैं, देखो उस साइड से भी लगा और इस साइड से भी लगा, और यहाँ चार पाइयां लगी हुई हैं। बस हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठे, बातें बातें की, गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो भाई ने कहा कि थोड़ी देर तक हम यहाँ से निकलेंगे कब्रिस्तान की तरफ, और इतना शदीद कोई गर्मी के कूलर पंखे के बगैर हम बैठ नहीं सकते, और उसके साथ फिर व्लॉग नहीं बनता, बहुत शोर भी होता है, इस वजह से वही सफर कर रही हूँ। बस चाय वाय पी, और आयत को बिल्ली मिल गई, छोटा किटन, इसे बार बार बोल रही थी खुशी जैसी दिखती, तो मैं इसको साथ में लेके जाऊंगी, इसकी आइज वैसे नीली नीली थी। बाकी यहाँ पर कुछ फ्रूट्स लिए थे भाई भाभी के लिए, घर के लिए, और उनका एक मिठाई का बड़ा सा डब्बा ले लिया था, और जैसे कि कुरान पाक का ख़त्म कराना कब्रिस्तान जाना, एक डब्बा वहाँ के लिए था मिठाई का, और कुछ फ्रूट्स वहाँ के लिए थे। बस अभी हम यहाँ से
निकल नहीं वाले हैं कब्रिस्तान की तरफ, तो ये सब उठा रहे थे सब। अभी सारे हो गए हैं तैयार, देखो गाड़ी भी हमने अंदर ही खड़ी कर दी थी, बैग वैग सारे, अभी तक कोई भी हमने सामान बाहर नहीं निकाला। पहुंच आए हैं बस्ती और कब्रिस्तान थोड़ा सा बस आगे, यहाँ से कारी साहब को भी ले लिए, साथ में भाई है, भाभी है। और ये है मेरे ससुर हाजी गुलाम यासिन की कब्र, और यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, ये देखें हाजी गुलाम यासिन दादा हो गए। हाँ वो तो आपके दादा, और ये आपके अब्बू, ये मेरे अब्बू हैं। कब्रिस्तान के अंदर ना औरतों को अलाउ नहीं होता, तो इस वजह से सितारा और भाभी नजमा जो है बाहर खड़ी हैं। इधर से ही अब्बू को देख लेते हैं, दुआएं मांग लेते हैं अब्बू के लिए। और यहाँ पर मेरे दादा अबू की कब्र है, अब पर मेरे अबू की कब्र है, साथ में दादा अबू की है और चाचू की भी है, और सब भी आ गए हैं, कारी साहब भी आ गए हैं, यहाँ के जो पास मस्जिद के बच्चे हैं वो सब भी आ गए हैं। चलो यहाँ पर आस पास के बच्चे भी सब आ गए हैं, मुबारक हो, हमारी ये दुआ और कुरान कबूल फरमाए। सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि बड़ों पे ये जितना भी हो सके कुरान पाक की मुझे जो है ना तिलावत करें, अल्लाह ताला ताकि उनको उनका स्वाद। अबू की कब्र से हो लिया और ख़त्म भी हो गए। अभी देखो हम यहाँ पर आए हैं जहाँ पर अम्मी की शादी होकर आई थी, ये हमारे पहले के घर। तो चलो पहले यहाँ से गुजरते हैं, और ये रही मस्जिद जो कि दादी ने बनवाई थी ना। हाँ, दादी माँ ने, अबू ने और चाचू ने, जो हमारे खानदान के बड़े थे उन्होंने मिलके बनाई थी। जितना मुझसे हो रहा है इसकी खिदमत, और जितने मेरे कजन है, चाचू हो गए, उनके बेटे हो गए, जो है खिदमत कर रहे हैं। चलो यहाँ पे पहले बंदर चलते हैं मस्जिद पे। एक तो ये क्रेक हो गई है। हाँ, ये आप देख रहे हैं, साल बहुत हो गया ना इसको। चले मस्जिद में जाते हैं, इतने सालों पुरानी मस्जिद, चाचू ने सबने मिलके इतने सालों पहले बनवाई थी। हाँ, ये बारिश आती है तो ये सारा पानी टपकता है, कोई भी दोस्त अगर इसमें हमारी सपोर्ट करे तो ये अल्लाह के घर है, ये काम है, इसमें सबका जारी है। इतने टाइम पुरानी ये मस्जिद है, और अभी जो है ना हर किसी ने अपने जो भी गांव में थे हर किसी ने अपनी मस्जिदें बड़ी करवाई हैं, और ये वो मस्जिद है जो हमारी दादी अम्मा ने अबू ने सबने मिलके बनवाई थी। अब यहाँ पर कोई नहीं रहता ना देखो, तो बस सिर्फ जमीनें ही हैं, जो फारूक भाई आते हैं यहाँ पर, या सब्जियां उगाई हैं, खेत हैं उनके यहाँ पर, तो उनके लिए आते हैं घास काटने के लिए। इस वजह से ना ये मस्जिद अब जो है ना बहुत ज्यादा नीचे हो गई है, तो इंशाल्लाह अभी मैं और फारूक भाई मिलके ना इसका जो है ना बड़ी करवाएंगे मस्जिद को। वे कहते हैं कि ना जो इंसान इस दुनिया में बनवाए ना मस्जिद, तो अल्लाह पाक उसका जन्नत में घर बनाते हैं। इसको जो है ना ऊपर करना है, क्योंकि जब बारिश आती है ना तो यहाँ से पानी अंदर चला जाता है, और इसकी दीवारें बिल्कुल जो है ना बिल्कुल मजबूत रहेंगी। पर सवाब होता है, हर कोई आता है नमाज अदा करता है यहाँ पर, बिल्कुल ये रोड पर ही है ना जो भी गुजरता है। ये ऐसे लगाओ जम आ जाओ। फारूक भाई आ गए, अभी हम आम तोड़ेंगे और अब मस्जिद की बैक साइड पर आ गया। अब देखो ना ये कितना बीच में गहरा, बारिश आती है तो सीधा पानी अंदर चला जाता है। यहाँ पर अम्मी का कमरा कहाँ पर था? वो यहाँ पर था लेकिन अब नहीं है। यहाँ पर था, यहाँ पर बीच में, बीच में यहाँ पर था। अच्छा, यहाँ पर था जब अम्मी की शादी हुई थी, तो अम्मी की शादी होकर यहाँ पर आई थी इस घर में। ये फिर तोड़ दिए थे ईंटें, शहर तो चले गए जहाँ से सब मकान अपने तोड़ के वहीं। अच्छा, ये हवेली थी पूरी, ये दीवार थी इसकी चारों तरफ से। पक्के आम उधर है। अच्छा, उस वाले पर पक्के आम है, ऊपर जो है ना वो पके हुए है। ये ऐसे ये आम आ गया इसमें। अच्छा, ये तो इतना आसान है इसके साथ तोड़ा, वरना मैं सोच रही थी नीचे गिर जाएगा वहाँ कीचड़ में। ये जो आम है ये है जी सफेद चौसा। अच्छा, सफेद चौसा, ये ज्यादा मीठा होता है। सबसे जो है ना टेस्टी और जायका जो है ना, मुझे तो इस आम से ऊपर कोई आम में जायका नहीं। अच्छा, आप सभी बताना कि सफेद चौसा किसी ने खाया तो ये बहुत ज्यादा मीठा और जायके वाला होता है। इसकी चटनी बनाए, इसका मुरब्बा बनाए, इसके अचार बनाए। क्योंकि के अब्बू के साथ हम आते थे बाइक पे, तो अब्बू यहाँ से हमेशा आम तोड़ने के लिए आते थे ना हम साथ में, फिर नीचे से चुनते थे। उस टाइम पे ये चीज नहीं थी फारूक भाई। हाँ, ये चीज नहीं होती। नहीं, पहले ऐसे ऊपर से तोड़ तोड़ के नीचे फेंकते थे, फिर हम उठा के बोरे में डालते थे। आप देखो इतनी आसानी हो गई है। जामन खाने हैं तो उधर है, उधर चलना पड़ेगा आपको। जामन भी उस साइड पर, खजूर भी है। आम तोड़ा है मैंने सफेद चौंसा, ये देखो मैंने तोड़ के दिया, नहीं कच्चा है अभी, इसे गाड़ी में रख लेंगे, दो तीन दिन तक पक जाएगा है ना। यहाँ से हमने मैंगो तोड़ लिए हैं, और अभी वो देखो
बकरियों का रास्ता रोका जा रहा है। ये घास खाकर वापस अपने घर को जा रही है। बकरी कितने की है? कोई मरेगी तो नहीं? ये काली वाली बकरी एक बताओ कितने की है? नहीं पता, इसका बेचने का इरादा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जाओ जाओ ले जाओ ले जाओ। खाना वाना खा के देखो जा रही है वापस। ये इसके ऊपर फल लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं खट्टी, खट्टी 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 बोलते हैं। अभी जो पौधा बड़े हो गए ना, इसको लगाएंगे हम लीमू की कलम, तो फिर इसके ऊपर सारे लीमू होंगे। चलो पिक्चर ले ली फारूक भाई आपकी। चलो अभी जो है ना इस आम को जो है यहाँ से धो लेते हैं ये बहते हुए पानी से। नदी का पानी तोड़ो और यहाँ से धो भी लो। लौकी और जी क्या है, गुआर, चले देखना है तो लगाई हुई। अच्छा, जब से लगाई है अभी सब्जियाँ ना, तकरीबन 3-4 महीने हो गए मैंने मार्केट से नहीं ली। अच्छा, फिर ये तो अपनी सब्जियों की ताजी फ्रेश सब्जी अच्छा लग रहा है। शहर में तो ढूंढते हैं पानी कहाँ मिलेगा। आम हमने यहाँ पर धो लिया और इस बस्ती को भी पूरा घूम लिया। देखो आपको मैं डेरा दिखाऊँ, यहाँ पर ये पहले डेरा हुआ करता था और सब जैसे मेहमान आए गए यहाँ पर बैठते थे। तो ये तो उस दौर का जब अम्मी की शादी हुई थी और ये दादी ने सब कुछ पहले से, दादी दादा ने सब बनवाया था। उनके घर हैं, कुछ टूट गए, कुछ बचे हुए हैं। जामुन भी है, खजूर भी है, आम भी है और घर की टोटल सारी सब्जियां फारूक भाई ने उगाई हुई हैं। वो भी चले गए, अभी मौसम में सरमा आ रहा है आगे जैसे 1-2 महीने तक, तो उसकी जो है ना नई सब्जी फिर सारी लगाएंगे जिसमें धनिया पालक। अच्छा, सर्दियों की अलग सब्जियां होंगी, मूली गाजर प्याज ये मूंगरा हो गया, साग हो गया, सरसों का साग खाने हम आएंगे फिर। और साथ साथ ये देखो ये भी तो लगा हुआ है झाड़ू, देखो इससे बनता है। ये गांव में हर एक चीज मिल जाती है सच में। यहाँ पर देखो झाड़ू भी यहाँ पे खुद ही बनाते हैं ये तीलियाँ, तो इस तरीके से इसको जो है ना फिर ऐसे करते हैं। ये देखो हाँ, टहनियाँ इकट्ठी करके ऐसे गुठली बना के ये फिर झाड़ू बन जाता है। तो ये वो वाला झाड़ू है जो कराची में हर एक शहर में बिकता है ना, फूल झाड़ू, ये वो झाड़ू। आजाद भाई को पकड़ लें, इनका तो रास्ता रोका जाए। कैसे आजाद भाई, ठीक है? और कैसे हो, ठीक हो? आजाद भाई कितने बच्चे हो गए आपके? अभी हम वापस आ गए हैं फारूक भाई के घर पर, एक कच्चा आम तोड़ के अब इसकी चटनी बनाएंगे। ये एक आम तोड़ के इसकी मैंने कहा चटनी बना लेंगे कच्चे आम की। ये देखो चुटकी के काम, देखो आए थे इधर इधर। चलो चलो नहा लो नहा लो, गर्मी का तोड़ है ये ठंडा ठंडा पानी। भागो भागो, बारिश हो रही है, बारिश आए थे यहाँ पर, खूब एंजॉय कर रही है। चलो चलो बच्चा पार्टी सारी यहाँ पर एंजॉय कर रही है। बहुत ज्यादा जैसे हम आए ना बहुत ज्यादा हब्स और गर्मी हो रही थी। ये देखो ये तीसरी बार नहा के आया हुआ, इतनी ज्यादा गर्मी। ये सामने खजूर देख रहे हो कितना बड़ा हो गया ना, ये खजूर ये यहाँ तक था जब मेरी शादी हुई थी। और मेरी शादी को हो गए 15 साल, तो 15 सालों में देखो खजूर इतना बड़ा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना उम्र की हाइट है इतना थी। अभी ना वो उसकी जैसे छड़ियाँ खिल रही थी। हाँ, और अब तो उसमें खजूर भी लगे हुए हैं। ये देखो मेरी तरह बड़ी होनी चाहिए। आप देखो पूरे इस पे लाल लाल खजूर लगे हुए हैं। मुस्तफा के नाना अबू, ये देखो अपने नाना अबू, ये नाना अबू की ये रही तस्वीर यहाँ पे बिल्कुल छोटी सी। और ये देखो ये साथ में फारूक भाई है। मुसा कैसे लग रहे हैं आपके नाना अबू? आपके जेंटलमैन, क्लासिक जेंटलमैन। मैं लाइट चली गई थी और यहाँ पे देखो खाना तैयार हो गया और सारे यहाँ पर बैठे हुए। लाइट वापस भी है तो डिम लाइट है। कितने घंटे नहाना कर आए हो? हाँ 6 घंटे। 6 घंटे नहाए हो? हमने कहा है कि कुछ भी नहीं बनाएगा, बस सिर्फ दाल और चावल बनाएगा सफेद। तो भाभी ने देखो पता नहीं कितने सारी इतनी बड़ी डिश बना दी। जो कच्चा आम था, कच्चे आम की देखो चटनी भी साथ में बना दी। और बस अभी हमने खाना खा लिया, अभी लाइट भी पूरी आ गई। पहले डिम लाइट थी। मुस्तफा देखो नहा धो के दोबारा से, जब लाइट आई दोबारा से नहाने गए, उसे नींद आ गई है। यहाँ पे भी कूलर पंखा लगा हुआ है। और ये रही सामने हमारी जगह, हम यहाँ पर सोने वाले हैं। चारपाई इस साइड पर लगी हैं, सोएंगे। वो देखो यहाँ पर सामने काऊ भी है, यहाँ पर सारे जानवर भी है इस साइड पर, और नीचे इस साइड पर हमारी जगह बनी हुई। और बस ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा आज का व्लॉग मेरे मैके। आज की रात मेरे मैके के घर पे और कल इंशाल्लाह फिर हम सुबह सुबह निकलेंगे। मैं घर में बहुत ज्यादा सच में, यहाँ पर बार बार बच्चे नहाने के लिए जा रहे हैं और मोटर चलाते ना पानी इतना कोई ठंडा बर्फ वाला ठंडा पानी है ना, और ठंड लगती है बाद में जब नहा लो ना, 2-3 घंटे सुकून के गुजर जाते हैं। हो जाती हूँ मैं, मिलूंगी कल आपको नए व्लॉग के साथ। सुबह सुबह हमने यहाँ से निकलना है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।